नमस्ते बच्चों, मैकियावेली के विचारों को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली का राज्य का सिद्धांत राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत है, न कि स्वयं राज्य का सिद्धांत है। इसका तात्पर्य यह है कि मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा के लिए विभिन्न सिद्धांत बताए हैं और उसका पालन करने के लिए उसने अपने प्रिंस को अर्थात शासक को विभिन्न सुझाव दिए हैं, परामर्श दिए हैं, ताकि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो हम आज पढ़ेंगे कि राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने अपने शासक को द प्रिंस में, अपनी पुस्तक द प्रिंस में उसने शासक को सुझाव दिए हैं, परामर्श दिए हैं, या फिर हम इसको यह भी कह सकते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने शासक के क्या क्या गुण बताए हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे आज। तो प्रिंस में मैकियावेली ने शासक की सफलता के लिए उसने शासक को कुछ परामर्श दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं, ताकि शासक अपने राज्य की सुरक्षा कर सके, अपने राज्य को सुदृढ़ और व्यवस्थित रख सके। तो उसने जो परामर्श दिए हैं उसके अनुसार एक शासक या उसका राजा काम करता है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मैकियावेली ने एक सफल शासक में क्या क्या गुण किन किन गुणों की वो अपेक्षा रखता है, इसको हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है शक्ति का अर्जन। उसने एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया है कि अपने राज्य की सुरक्षा करना और उसे व्यवस्थित बनाए रखना। तो अतः उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक शासक को शक्ति अर्जित करने, उसको बनाए रखने और उसका विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा गुण बताया उसने राष्ट्रीय सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए उसने एक राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता बताई है। उसका कहना है कि कोई भी शासक अपने नागरिक और अपनी देशभक्त सेनाओं के कोई भी राज्य अपनी देशभक्त सेनाओं के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार उसने कहा है कि एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, न कि भाड़े की या किराए की सेना हो, क्योंकि वो देश के लिए हानिकारक होती है। तो इस प्रकार मैकियावेली ने द प्रिंस में एक अनुशासित, एक सुसंगठित, एक राष्ट्रीय सेना को रखने का अपने शासक को परामर्श दिया है। तीसरा गुण है या तीसरा परामर्श वो अपने शासक को देता है कि सैनिक शक्ति का विस्तार। यहाँ वो अपने शासक को यह भी सुझाव देता है कि शासक युद्ध से विचलित कभी ना हो और अपने ऐश्वर्य आराम को छोड़कर वो निरंतर अपनी सैनिक शक्ति के विस्तार में लगे, ताकि देश में एकता और कठोर अनुशासन का विकास हो। तो इस प्रकार वो यह कहता है कि जिस शासक के पास सेना का अभाव होता है, वह शासक जो है वह अपने जीवन में अपनी दुर्बलताओं पर कभी नियंत्रण नहीं रख सकता। तो इसके लिए वो सैनिक शक्ति के विस्तार का अपने शासक को सुझाव देता है। चौथा परामर्श दिया है उसने अपने शासक को सिंह और लोमड़ी के गुणों से युक्त हो। मैकियावेली कहता है कि एक शासक में सिंह और लोमड़ी के गुण होने चाहिए, अर्थात जैसे सिंह अपने आप को जालों से नहीं बचा सकता, लोमड़ी भेड़िए से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए शासक के पास जालों मतलब कि शत्रु के षड्यंत्रों उपद्रवों से बचने के लिए लोमड़ी की चालाकी का गुण होना चाहिए, और भेड़िए मतलब विदेशी शत्रुओं या आक्रमणकारियों को डराने के लिए उसमें सिंह जैसी शक्ति और वीरता होनी चाहिए। पाँचवा गुण उसने अपने शासक के लिए ज़रूरी बताया है, वह है स्वांग और पाखंड के गुण। उसने कहा है कि शासक में स्वांग और पाखंड के गुण होना आवश्यक है। शासक को बेरुपिया और दिखावटी होना चाहिए। शासक को दयालु, मानवीय, सत्प्रिय, विनयी, धार्मिक होना चाहिए दिखावटी तौर पर, ताकि वो अपनी जनता में लोकप्रिय हो, जनता का विश्वास प्राप्त करे और इस प्रकार वो अपनी जनता को अपने विश्वास में ले। छठा गुण उसने अपने शासक के लिए बताया है कि शासक के निर्णय अटल हो और अपरिवर्तनशील हो, मतलब कि शासक में निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए और उसको अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि अगर शासक को अपनी जनता का विश्वास प्राप्त करना है
तो यह ज़रूरी है कि शासक जो है वो दुर्बल बुजदिल नहीं हो, बल्कि शासक में साहस और सहनशीलता होनी चाहिए। सातवां गुण उसने अपने शासक के लिए जो ज़रूरी बताया है वह है वयुक्त हो परंतु घृणित नहीं हो। वह कहता है कि शासक को श्रद्धा युक्त होना चाहिए और भय मुक्त होना चाहिए, घृणित भय युक्त होना चाहिए अपनी प्रजा में, लेकिन उसे घृणित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासक को अपना यश और कीर्ति बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए शासक को। तो इस प्रकार वह यह कहता है कि शासक ऐसे उसकी जनता तभी घृणा करती है जब वह लोभी हो या फिर किसी प्रकार का लूटमार करने वाला हो। तो इसलिए उसने कहा है कि शासक को अपनी प्रजा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार वह कहता है कि शासक के प्रति जनता में श्रद्धा और सद्भावना होनी चाहिए। आठवां गुण उसने अपने शासक के लिए बताया है वह है वीरता कौशल और साहस का परिचय देना चाहिए शासक को। वह शासक को यह भी सुझाव देता है कि वह समय समय पर अपनी प्रजा के बीच में वीरता साहस और अपने कौशल का परिचय दे। उसे महान और इतना कुशल होना चाहिए और अपनी प्रजा का सच्चा मित्र होना चाहिए। और इस प्रकार वह कहता है कि वह इस प्रकार से अपने कौशल को दिखाए कि वह न तो अपने शत्रु को हावी होने दे और अपने मित्र को भी, अपनी मित्रता को भी वह सुदृढ़ करे। नवा जो गुण बताया उसने अपने शासक के लिए वह है योग्यता और निपुणता का प्रशंसक। कहने का तात्पर्य है कि शासक को समय समय पर अपनी प्रजा के या योग्य व्यक्तियों के गुणों का सम्मान करना चाहिए ताकि वह अपने राज्य का विकास और समृद्धि कर सके। तो राज्य को योग्यता और कुशलता का सम्मान करना आना चाहिए ताकि वह अपनी प्रजा के कौशल का लाभ उठा सके। दसवां गुण उसने बताया है पुरस्कारों और उपाधियों का वितरण, मतलब कि शासक को योग्य और गुणी व्यक्तियों की परख के साथ साथ उनकी योग्यता को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। इन पुरस्कारों और उपाधियों को शासक स्वयं वितरित करे ताकि वह अपने अधिकारियों का विश्वास प्राप्त कर सके। ग्यारहवां गुण जो उसने अपने शासक के लिए बताया है वह है योग्य मंत्रियों का चयन। शासक में इतनी योग्यता कुशलता हो कि वो अपने योग्य मंत्रियों का चयन करे। मंत्री लोभी और स्वार्थी अगर होंगे तो वो शासक के प्रति वफादार नहीं होंगे। इसलिए मैकियावेली अपने शासक को सुझाव देता है कि वह योग्य और कुशल मंत्रियों का चयन करे। बारहवीं जो विशेषता उसने एक शासक के लिए बताई है वह है चापलूसों से दूरी हो। मैकियावेली कहता है कि शासक को चापलूसों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि चापलूस शासन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार उसने शासक को योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही मंत्री बनाने का सुझाव दिया है। तेरहवीं जो विशेषता उसने अपने शासक के लिए बताई है वह है उदार और मितव्ययी होना चाहिए। शासक को दूसरों के धन के संदर्भ में उदार और अपने धन के संदर्भ में उसे मितव्ययी होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने कहा है कि शासक जो है दूसरों का धन खर्च करने में उसे ख्याति प्राप्त होनी चाहिए, उस संदर्भ में वो उदार हो और अपने धन को खर्च करने के संदर्भ में वह मितव्ययी होना चाहिए, यानी अपने धन की वह बचत करे। ऐसे गुण शासक में होने चाहिए। चौदहवीं विशेषता वो अपने शासक में बताता है कि विधि का शासन। मैकियावेली राजा को सुझाव देता है कि वो अपने राज्य के निर्माण के लिए शक्ति और भय को महत्व देता है, लेकिन वो राज्य के स्थायित्व के लिए विधि और कानून पर भी बल देता है। मैकियावेली कहता है कि राज्य में अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करे, इसके लिए पर्याप्त वैधानिक उपचारों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार मैकियावेली यह कहता है कि शासक को लोगों के रीति रिवाजों और प्रथाओं का सम्मान करना आना चाहिए। पंद्रहवीं विशेषता वो अपने शासक के लिए बताता है कि राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करे। वो अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों में वो राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करे।
वह अपनी प्रजा को राज्य के कार्यों में, शासन कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर दे। मैकियावेली के अनुसार लोगों के हित और राज्य के हित में कोई भेद नहीं होता है, इसीलिए वह कहता है कि निरंकुश शासक जो है वह सार्वजनिक हित के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए निरंकुश है, इसलिए वह उसके उसको प्रजा में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकियावेली जो है वो राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और विस्तार के लिए वो सभी प्रकार के मानवीय, अमानवीय, नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध, उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे सभी प्रकार के साधनों के प्रयोग की आज्ञा अपने शासक को देता है। वह कहता है कि शासक को राज्य के संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए, साधन तो हमेशा प्रतिष्ठित माने जाएंगे और उसको स्वीकृति भी प्राप्त हो जाएगी।